हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लासिफाई। मेरा नाम है रोहित और आज के इस कंपनी कंपैरिजन स्पेशल वीडियो में हम इंडिया की दो बड़ी FMCG कंपनीज ITC लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंपैरिजन करने वाले हैं। ITC लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट कंपनी है जिसकी शुरुआत आज से 110 साल पहले 24 अगस्त 1910 में कोलकाता में हुई थी। तब यह कंपनी इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। बाद में 1970 में इस कंपनी का नाम इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड रखा गया और 1974 के बाद केवल ITC लिमिटेड रखा गया। सिगरेट के बिजनेस से शुरू हुई यह कंपनी धीरे धीरे FMCG, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर बिजनेस, होटल, IT, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स में काम करने लग गई। दोस्तों बता दूं, ITC का सिगरेट बिजनेस इतना बड़ा है कि भारत का 85% सिगरेट बिजनेस ITC के पास है। वही HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की शुरुआत आज से 87 साल पहले 1933 में हुई थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर PLC की एक सब्सिडियरी कंपनी है और ये कंपनी इतनी बड़ी है कि ये इंडिया के साथ साथ दुनिया के 190 देशों के अंदर बिजनेस कर रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बहुत सारे सेगमेंट में अपना बिजनेस कर रही है। यह कंपनी फूड प्रोडक्ट से लेकर पर्सनल केयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे सेगमेंट में अपना बिजनेस कर रही है। दोस्तों अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं, तो एक रिसर्च के अनुसार भारत में 10 में से 9 घरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत मार्केट कैपिटलाइजेशन से करते हैं। ITC लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.12 लाख करोड़ भारतीय रुपए है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में इंडिया की 12वीं सबसे बड़ी कंपनी है। वही हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.97 लाख करोड़ भारतीय रुपए है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में रिलायंस, TCS और HDFC के बाद तीसरे नंबर पर है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ITC लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी कोलकाता में स्थित है और संजीव पुरी ITC के करंट चेयरमैन और MD है। वही हिंदुस्तान यूनिलीवर का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई सिटी में स्थित है और संजीव मेहता HUL के करंट CEO है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ITC लिमिटेड कंपनी के लिए 28,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। वही हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के लिए 21,000 के आसपास एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। रेवेन्यू और नेट इनकम की बात करें तो ITC लिमिटेड ने पिछले साल 52,035 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और ITC का नेट इनकम 12,824 करोड़ के आसपास रहा था। वही हिंदुस्तान यूनिलीवर का रेवेन्यू 38,785 करोड़ रुपये रहा था और HUL का नेट इनकम 6,738 करोड़ रुपए रहा था। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, HUL और ITC यह दोनों भी कंपनियां इंडिया की टॉप FMCG कंपनीज है, लेकिन ITC का 55% रेवेन्यू टोबैको बिजनेस से आता है और टोबैको सर्विसेज पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है। यही एक कारण है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में ITC HUL से काफ़ी पीछे है। दोस्तों अगर इन दोनों कंपनीज के करंट मार्केट शेयर की बात करें तो आज दिसंबर 2020 में ITC का शेयर प्राइस 220 रुपये के आसपास है, वही HUL का शेयर प्राइस 2360 रुपये के आसपास है। आसान भाषा में बोला जाए तो अगर आपने 2015 में HUL कंपनी में 1,00,000 रुपये लगाए होते तो आज 5 साल बाद वो 2,50,000 रुपये हो जाते। वही अगर आपने ITC में 1,00,000 रुपये लगाए होते तो आपको 20,000 का घाटा हो जाता। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल के आंकड़ों के अनुसार ITC का सेल्स ग्रोथ 6.26% है, वही HUL का सेल्स ग्रोथ 7.25% है। अगर इन दोनों कंपनीज के टॉप प्रोडक्ट्स की बात करें तो ITC के टॉप प्रोडक्ट्स में गोल्ड फ्लेक, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो पोटैटो चिप्स, वीवेल, फियामा शॉर्ट जेल एंड बाथिंग बार्स, सेवलॉन, डार्क फैंटेसी बिस्किट, सनफिस्ट EP नूडल्स, सनफिस्ट वंडर्स मिल्क, बी नेचुरल जूस एंड बेवरेजेस, ITC मास्टर शेफ, एंगेज डिओड्रेंट एंड परफ्यूम स्प्रे और क्लासमेट स्टेशनरी जैसे प्रोडक्ट्स शामिल है।
वही HUL के टॉप प्रोडक्ट्स में सर्फ एक्सेल, वीम, लक्स, फेयर एंड लवली, अन्नपूर्णा आटा एंड सॉल्ट, किसान जाम केचप एंड सॉसेस, क्वालिटी वॉल्स, लैक्मे, पेप्सोडेंट, डव, नॉर, लाइफ बॉय, पॉन्ड्स, वैसलीन और क्लोजअप जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स शामिल है। तो दोस्तों, आप किस कंपनी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ITC या फिर HUL? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि ITC कंपनी का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाओगे। दोस्तों, बहुत टाइम और मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्लासिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो के साथ एक नई वीडियो में। हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।